Hello student, welcome to your social science class. Today we discuss the history second chapter New Kings and Kingdoms. In our previous video, we discuss about history first chapter. In this video, we discuss New King and Kingdoms history second chapter. इस चैप्टर के अंदर जो मेडिवल पीरियड्स के टाइम के दौरान जितने भी जो किंग्स वगैरह आए थे, जो न्यू किंग और किंगडम्स आए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनके रूल रेगुलेशंस क्या थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का ढंग क्या था, वो कैसे पावर में आए, वो सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम सीक्वेंस वाइज उसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम गुजर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. जो गुजर प्रतिहार थे, ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 725 से 1018 एडी के बीच का था, ठीक है. और जो गुजर प्रतिहार रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ अवंती राजस्थान एंड गुजरात अंडर नाग भट्ट फर्स्ट. इनका मतलब एरिया कहाँ कहाँ था, अवंती राजस्थान गुजरात, और ये नाग भट्ट जो फर्स्ट थे उनके मतलब टाइम में ये उनका एरिया था, ठीक है. इसका जो फेमस जो राजा हुआ था, जो किंग था, वो था भोज फर्स्ट, ठीक है. इसने जो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 836 टू 885 एडी, ठीक है. ये इसका फेमस किंग था, उस टाइम का फेमस रूलर था गुजर प्रतिहार डायनेस्टी का. इसने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी उस कहां बनाई थी, कन्नौज के अंदर, ठीक है. कन्नौज के अंदर इसने अपनी कैपिटल बनाई थी. जो प्रतिहार थे, ठीक है, और मोहम्मद जो गजनी था उसने इसके ऊपर अटैक किया था और इनको डिफीटेड किया था वॉर के अंदर, और फिर इस डायनेस्टी का एंड हो गया था. दिस वे द प्रतिहार डायनेस्टी केम टू बी एन एंड, ठीक है. गुजर प्रतिहार डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, 725 से लेके 1018 एडी. अवंती राजस्थान गुजरात अंडर नागभट फर्स्ट के उसमें थे. जो भोज फर्स्ट था वो इस डायनेस्टी का फेमस रूलर था, और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 836 से टू 885 एडी, ठीक है. ये इसका टाइम पीरियड था. और इस डायनेस्टी के ऊपर महमूद गजनी ने अटैक किया था, उसको डिफेक्टेड किया था, और इस तरह से जो प्रतिहार जो डायनेस्टी है वो कम टू बी एन एंड. प्रतिहार जो रूलर्स थे वो ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ आर्ट क्राफ्ट लर्निंग एंड लिटरेचर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना पाल्स, ठीक है. जो पाल्स थे ये क्या थे, द पाल्स डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द गोपाल. इसको किसने फाउंड किया था, गोपाल ने, ठीक है. इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है. धर्मपाल एंड देवपाल वर द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. और इस डायनेस्टी के धर्मपाल और देवपाल क्या थे, बहुत फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है स्टूडेंट. जो धर्मपाल और जो देवपाल थे वो इस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे, और ये दे रूल ओवर, इनका जो एरिया था वो कहाँ था, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आसाम. द पाल्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन्स. ये लर्निंग एंड रिलीजन्स के पैटर्न थे, मतलब उसको प्रोटेक्ट करते थे, उनके संरक्षक थे, ठीक है. इनका जो एरिया था वो कहाँ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम. द पाल्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन. पैटर्न होता था उसको प्रोटेक्ट करना, लर्निंग एंड रिलीजन को ये काफी प्रोटेक्ट करते थे, कि उस चीज के लिए काफी फेमस रहे थे, ठीक है. पाल हमारा क्लियर हो गया, हमने गुजर प्रतिहार पढ़ लिया, पाल्स पढ़ लिया. ये मेडिवल पीरियड्स के न्यू किंग्स थे, ठीक है, मतलब जो उस समय पावर में आए थे, ठीक है. अब थर्ड है हमारा राष्ट्रकूट, ठीक है. राष्ट्रकूट क्या थे, ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 753 से लेके 973 के बीच में था, ठीक है. इनका जो एरिया, जैसे हमने जो गुजर प्रतिहार पढ़ा है, गुजर प्रतिहार का जो एरिया था वो नॉर्थ की साइड था, और वेस्टर्न इंडिया में था. पाल्स का कहाँ था, ईस्टर्न इंडिया में. और जो दक्कन का जो एरिया था वो किसका था, राष्ट्रकूट का, ठीक है. जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है इनका एरिया दक्कन में था, ठीक है. और इन 1753 दंतेदुर्ग
1753 में इन 753 एडी जो दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट है, और उसने एक छोटा सा मतलब रिचुअल परफॉर्म किया जिसको हिरण्य गर्भ एक रिचुअल था, वो उस समय काफी फेमस था, मतलब कोई भी अगर राजा इस रिचुअल्स को करता था हिरण्य गर्भ को तो वो अपने आप को एक मतलब एक क्षत्रिय की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाता था और एक रूलर वो बन जाता था। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, मलकद, जो आज हमारी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, ये इसकी कैपिटल थी, जो सोलापुर के नजदीक है महाराष्ट्र में, वहां इसकी ये कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट, तो राष्ट्रकूट हो गया हमारा, इनका जो टाइम पीरियड था वो 753 से लेके 973 एडी के बीच में था। इसका जो रूल जो जो एरिया था वो कहाँ था, दक्कन के पास था, ठीक है। और राष्ट्रकूट के अंदर एक दंती दुर्ग हुआ था 1753 के अंदर, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर किया था और हिरण्य गर्भ एक रिचुअल परफॉर्म करके अपने आप को एक पावरफुल रूलर बनाया था। उसकी जो कैपिटल थी वो थी मलकद, और जो कहाँ है, इन मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो द त्रिपति स्ट्रगल्स, जो त्रिपति जो स्ट्रगल्स हैं हमारे, ये जो हमने पढ़े हैं गुजर, प्रतिहार, पास, राजकोट, इनके बीच में होते थे, ऑफ्टन फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये सभी तीनों जो डायनेस्टी थी, द राजकोट, द पाल, द गुजर प्रतिहार, ये सभी मतलब कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए उस पर क्या करते थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो कन्नौज था वो काफी मतलब पॉपुलर एरिया था एग्रीकल्चर के हिसाब से, क्योंकि गंगा जो वैली है वो वहां से होती थी, और ये मतलब काफी फॉरेस्ट की वे से देखा जाए या फिर एग्रीकल्चर की साइड से देखा जाए तो ये काफी मतलब डेवलप एरिया था। तो इसीलिए मतलब जो तीनों जो किंगडम्स थे, ये डायनेस्टी थी, ये हमेशा इसके ऊपर मतलब इनका इशू रहता था और ये आपस में इसके ऊपर लड़ते रहते थे, और ये लड़ाई में इतने मतलब बिजी हो गए, इनको इतना पता ही नहीं चला कि कब वो इतने मतलब वीक हो गए कि आपस में मतलब इनकी जो पावर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, ठीक है। तो त्रिपति जो स्ट्रगल है वो हमारा गुजर, प्रतिहार, पाज एंड राजकोट, इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में होता था, और किस एरिया को लेके होता था, कन्नौज एरिया को लेके, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है राजपूत, जो राजपूत हमारे आते हैं, ठीक है। राजपूत क्या थे, अपने आप में ही मतलब वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर हम राजपूत की बात करते हैं तो राजपूत हमेशा से अपनी मतलब बहादुरी के लिए पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो ये मेडिवल पीरियड्स के टाइम के दौरान ये भी मतलब पावर में आए थे। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चहमांस और चौहांस, ठीक है। जो चहमांस थे वो बाद में चौहांस के नाम से फेमस हुए थे, और दिस डायनेस्टी वाज फाउंड बाय गोकुट, ठीक है। ये गोकुट ने फाउंड किया था इन 11th सेंचुरी एडी, जो पृथ्वी राजा था थर्ड, वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का वो फेमस रूलर्स था, ठीक है। तो हमने मतलब पांच डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है जो मेडिवल पीरियड्स के अंदर आई थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस किंगडम, इनके रूल रेगुलेशंस क्या थे, और क्या मतलब इनके रिवेन्यू सिस्टम था इनका, क्या इनके मतलब लैंड ग्रांट थे, और क्या इनका मतलब कलेक्शंस वगैरह कैसे करते थे, टैक्सेस वगैरह की, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड आउट करेंगे। और ट्यूसडे को आपका एग्जाम है, मैंने उसके लिए आपको टॉपिक बताया हुआ है कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ लेयर ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर वो आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।